फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम पढ़ेंगे रेशो। रेशो को हिंदी में अनुपात कहते हैं। सो व्हाट इज रेशो? कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज बाय डिवीजन इज कॉल्ड रेशो। मींस जब दो क्वांटिटी को हम कंपेयर करते हैं तो उसे हम रेशो कहते हैं। जैसे यहाँ पर है मोटू जिसका वेट है 80 किलोग्राम और ये है पतलू जिसका वेट है 40 किलोग्राम। भाई मोटू और पतलू दोनों बहुत अच्छे कैरेक्टर हैं, मुझे बहुत पसंद है। अगर आपको पसंद है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ओके, सो मोटू का वेट 80 है, पतलू का 40 है, तो हम कंपेयर करेंगे कि इनमें कौन ज़्यादा भारी है। आप जानते हैं कि मोटू ज़्यादा भारी है। सो रेशो की फॉर्म में इसे कैसे लिखेंगे? 80 किलोग्राम टू 40 किलोग्राम। रेशो की फॉर्म में 80 रेशो 40, या फिर हम इसे सेम नंबर से डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि ये डिवीजन हो सकता है 40 से, ये भी 40 से डिवाइड हो सकता है। तो 40 2 जा 80, तो ये बन जाएगा 2 रेशो 40 1 जा 40, तो ये बन जाएगा 1। तो इस तरह से मोटू और पतलू के वेट का जो कंपैरिजन है वो है 2 रेशो 1। अब रेशो को सॉल्व करते वक्त कुछ खास पॉइंट्स को ध्यान में रखना होता है। तो वो क्या क्या पॉइंट्स होते हैं? इसमें पहला पॉइंट है आपका कि यूनिट सेम होनी चाहिए। जिन भी क्वांटिटीज को कंपेयर किया जाता है उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर वेट को कंपेयर कर रहे हैं और यूनिट है किलोग्राम एंड किलोग्राम। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आएंगे तो यूनिट्स कुछ में सेम नहीं होगी। किसी में ग्राम्स और किलोग्राम होगा, किसी में किलोग्राम्स ग्राम्स होगा, मीटर सेंटीमीटर ऐसे हो सकता है। तो वहां पर आपको सबसे पहले यूनिट को सेम करना होगा। ओके, सो पहला पॉइंट है कि यूनिट सेम होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि जब इन्हें रेशो में लिखा जाता है तो इसमें यूनिट नहीं लिखी जाती। आपने देखा कि हमने लिखा 80 रेशो 40, हमने यहाँ पर किलोग्राम्स नहीं लिखा। ओके, तो यूनिट नहीं लिखनी है। तीसरा पॉइंट है कि रेशो को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा था 80 रेशो 40, तो हमने इसे 40 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है। तो रेशो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो हम इसके लिए क्या करते हैं? डिवीजन करते हैं सेम नंबर से जब तक डिवीजन हो रहा है, या इसे कैंसिलेशन भी कह सकते हैं, कैंसिलेशन मेथड से भी कर सकते हैं। ओके, तो रेशो क्या आया? 2 रेशो 1 सिंपलेस्ट फॉर्म में। ओके, फोर्थ पॉइंट है इसका ऑर्डर। रेशो में ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने देखा कि यहां पर हमने पहले मोटू का वेट लिखा, फिर पतलू का वेट लिखा, और हमने क्वेश्चन किया था कि कौन ज्यादा भारी है। तो भारी मोटू है, तो इसका वेट हमने पहले लिखा 80 किलोग्राम टू 40 किलोग्राम, और रेशो आया 2 रेशो 1। लेकिन क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था कि इन दोनों में कौन ज्यादा हल्का है, है ना, कौन ज्यादा हल्का है और कितना हल्का है। तो तब पतलू का वेट पहले आएगा और क्वेश्चन इस तरह से लिखा जाएगा 40 किलोग्राम टू 80 किलोग्राम। पतलू का वेट पहले आएगा और मोटू का बाद में आएगा। और इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये इसी तरह से जैसे हमने ऊपर किया 40 रेशो 80 हो जाएगा। ओके, और रेशो में अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 1 रेशो 2 हो जाएगा। तो आपने देखा कि जब ऑर्डर मोटू टू पतलू था, 80 टू 40 था, तब रेशो 2 रेशो 1 था। लेकिन जब ऑर्डर बदल गया तो रेशो भी बदल गया, 2 रेशो 1 से 1 रेशो 2 हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप रेशो से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करें तो ऑर्डर का ध्यान रखें। तो 4 कौन से पॉइंट है जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि यूनिट सेम होनी चाहिए, रेशो लिखते वक्त यूनिट नहीं लिखनी है, रेशो को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, और चौथा पॉइंट है उसका ऑर्डर कि आपको क्या ऑर्डर दिया गया है। तो आपने ध्यान से क्वेश्चन इसके लिए पढ़ना है, ऑर्डर देखना है कि किसको पहले बोला गया, किसका नाम पहले बोला गया है, तो उसी का नंबर आप पहले लिखेंगे। ओके, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको तभी जाएगा जब आप बेल आइकन को ऑन करेंगे।